तो चलिए मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो वही 12 वोल्ट पिक्सल एलईडी के बारे में है, जिसमें मैंने पहले से भी वीडियो मैंने इसका बना के डाल रखा है। तो उसमें मैंने सिंगल कलर का वायर का मैंने यूज करके रखा था और आपने देखा था कि किस तरह से मैंने एक कॉर्ड के जरिए जो है मैंने बनाया था। उस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया है। तो उसी वीडियो के ऊपर मैंने एक नया से जो है अपडेट लेके आया हूँ और ये जो है ये वायर के ऊपर हम बनाएंगे कि जो वायर है ये 5 कलर में है, यानी 5 कलर में है। और ये वायर जो है 10-36, देख रहे हैं आप, इस पर लिखा हुआ है 10-36, लेंथ इसका 91 मीटर होगा, जो आपको मार्केट में 450, 480, 460 इसके आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये वायर है जो 5 तार में जो है ये दौड़ा हुआ है। इसमें जो हम बनाएंगे ये देखिए, ये कॉपर का है, एकदम कॉपर। इसको छीलो तो ये इसमें जो है ना, इसको आप जब ब्लेड से घसीएगा तो इसमें रंगा लगा हुआ है, ठीक है। ये प्योर कॉपर में है, आपको देखिए ये ऊपर से पूरा को छीलो। यही वायर पे हम जो है ये 50-60 फीट का जो हम तोरण बनाएंगे, जो मैंने पहले भी बना रखा है। तो ये देखिए, ये बहुत हेवी में आता है, ये देख रहे थे आप, ये बहुत हेवी में। इसको जब हम ब्लेड से घसेंगे तो इसके अंदर में जो है ना वे प्योर कॉपर तांबा निकलेगा, ठीक है। ऊपर से देखने में आपको अल्मोनियम लगता होगा लेकिन अंदर में ये प्योर कॉपर है। जब आपको ब्लेड से इसको घसीएगा ऊपर से इसका, तो ये अंदर में कॉपर आपको मिलेगा नजर में। ऊपर से ये रंगा चढ़ा हुआ है इस वायर में। तो इस वायर है, इस वायर का प्राइस आपको जाने मार्केट में आपको 460-480, 450 के आसपास में मिल जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं, 91 मीटर इसका लेंथ है। आपको यहाँ मैंने यहाँ दिखा दिया है, इसका देख लिए सब पे लगा हुआ है। ये चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और किस तरह से इस वायर पे हम रनिंग बनाएंगे वो भी आप देखिएगा इस वीडियो में। और ये कॉर्ड वुड सब वगैरह वगैरह जितना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा आपको जानकारी है तो इस सब के बारे में पहले से रेट वुड के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल रखा हूँ पहले से, करीबन 1 महीना पहले मैं डाला है, तो उस पर मैं जो है ये भी सब के बारे में डिटेल में डाला है। सुप्रिया का चेंजर है जो देख सकते हैं, ये 5 चैनल 6 चैनल 8 चैनल का लॉक है, इसमें 32 डिजाइन है, इस पर भी मैं चला सकते हैं। और ये इस पर जो है ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल सर्किट जो 120-130 मार्केट में आपको मिलेगा, इस सर्किट से भी आप चला सकते हैं ये। और ये सर्किट आपको जो है सुप्रिया का, खैर मेरे पास जो है 750 का है। ये मेल फीमेल कॉर्ड जो है आपको जो है 18 रुपये का पेयर पड़ने वाला है, 2 पीस, और आपको जितना भी पीस चाहिए वो आपको हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बना रखा जिसमें देखिए मेरे 18-18 इंच पे सब वायर को कट करके रखा हुआ है। खोलो तो इसको, ये जो है ये जो देखिए हम बना रहे हैं, ये जो है हम 18 इंची पे काट रहे हैं, यानी 1.5 फीट का इसका मैंने नाप के इसको रखा हुआ, और 1.5 फीट पर से मैं इसको छील रहा हूँ ताकि मैं इसको शॉर्टकट तरीके से, यहाँ देखिए मैं सबको छील के रखा हूँ इस तरह से। आपको भी जो है इधर देखा, आपको भी जो है ऐसे कर करके 1.5 फीट पे जो है आपको कर लेना है सब तार को, जितना तार है फटाफट आप इस सबको छील लेना है ऐसे करके। मैंने 18 इंची नाप के जो है किया है। अगर आप चाहिए तो आप 1 फीट पे यानी 12 इंच पे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको 18 इंच पे कर रहा हूँ। और ये 60 फीट का लंबा वायर है जिसमें हम टोटल 40 जो है झालर लटकाएंगे और इसको हम रोड से लिंक करेंगे। देखिए बहुत ये जो है ये वायर मैंने जो है 55 फीट इसको लंबा करके काटा हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो में दिखाया कि किस तरह से मैंने नापी करके, ये देखिए एक यहाँ पे मैंने कट किया है क्योंकि यहाँ पे एक वायर मारेंगे फिर ये 1.5 फीट पे 18 इंच के बाद, ये देख रहे गैप 18 इंच के बाद फिर मैंने यहाँ मारेंगे, फिर उसके देखिए जितना मार्क्स है सबको मैंने मार मार के रखा हुआ है और इस पर करेंगे। इसी तरह से इसका भी मैंने करके रखा हुआ है, तो सब कलर में आपको हो जाएगा। और ये देखिए, और ये मैंने बना के रखा है ये बेल्ट इसका, ठीक है, ये देखिए ये इसका ये बेल्ट है मेल फीमेल जो है, ये आपको जो है 52 फीट लंबा आपको मिलेगा। और इसका जो देखिए ये पॉइंट, ये यहाँ से जो है 5 पॉइंट निकला हुआ है, उधर करो उधर रनिंग के काम करो, ये देखिए इधर से ये 5 पॉइंट निकला हुआ है, जिसका जो है इसका शुरू वाला भी कौन है वो शुरू में भी आपको मैं दिखा दूंगा इसका कौन शुरू है। और ये चलिए उस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बेल्ट भी, अगर ये बेल्ट भी चाहिए आपको तो ये बेल्ट भी मिल जाएगा, बना बनाया अगर चाहिए तो बना बनाया भी आपको मिल जाएगा हमारे पास। और इसके लिए जो है आपको कॉल करना पड़ेगा। तो अगर ये बेल्ट चाहिए तो ये बेल्ट मिल जाएगा, स्पेशली ये बेल्ट आपको 1500 में मिलेगा। अगर चाहिए आपको तो आप हमको बन ले सकते हैं। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये वीडियो के ऊपर अपडेट कर देता हूँ। अब बाकी जितना प्रोसेस मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था ठीक उसी प्रकार से आपको ये बनाएगा। और तो देखिए रहिए इसका रनिंग हम किस तरह से है। वो वाला वीडियो जो मैं डाल रखा था थोड़ा रनिंग मारने में, एक कलर का वायर था तो रनिंग मारने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे गांठ बांध देखिए, पहले मैंने इसको गांठ बांध ले रहे हैं, 6 तार है तो एक कॉमन के लिए मैंने हेवी ले रखा है कॉपर का,
UDRMM का कॉपर का जो है मैंने हेवी रखा है। देखिए मैंने गांठ बांध दिया और यहाँ पे ये देखिए मैंने समझा दे रहा हूँ, पहले तार को एक रंग कर दो, लाल की एक जगह पहले बराबर करो, लाल काला, पहले लाल काला पीला हरा ब्लू, लाल के इधर करो, लाल के इधर करो, फिर काला ला फिर पीला इधर करो, फिर हरा के इधर कर, हाँ एक बराबर करना, एक बराबर बराबर से पकड़ना, ये देखिए इसका वायर जो है कनेक्शन इस तरह से होगा। एक नंबर वायर जो रहेगा हमको लाल में कनेक्शन करेंगे, फिर दो नंबर वायर जो है हम ब्लैक में कनेक्शन करेंगे, फिर तीन नंबर वायर जो है हम जो है येलो यानी ब्लू या पीला में कनेक्शन करेंगे, और चार नंबर जो है वायर रहेगा वो जो है हम हरा यानी ग्रीन में हम करेंगे, और फोर नंबर जो है पाँच नंबर जो है इसमें हम पैक करेंगे। तो देख सकते हैं आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको स्क्रीन शॉट मार के फोटो खींच के आप रख सकते हैं। तो ये देखिए पहले लाल फिर काला फिर पीला फिर हरा फिर ब्लू, तो आप इसको जो है कनेक्शन कीजिएगा तो फर्स्ट नंबर सर्किट में ये दीजिएगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये दे दीजिएगा, और ये आपका जो ये रहेगा ये आपका कॉमन रहेगा। इसी प्रकार से हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। अगर आपको डायरेक्ट जलाना है तो सबको एक जगह करके अमेट से करके एक जगह ज्वाइंट कर दीजिए, इसमें कनेक्ट दीजिए तो डायरेक्ट भी आपका हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम जिस तरह से आपको बताए हैं लाल काला हरा और नीला वाला जो है वो बताए हैं उसी तरह से आपको करिएगा। चलो हम रनिंग मारना आप शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे से मैंने कट मैंने मार रखा था, तो यहाँ पे मैंने कॉर्ड ले रखा हूँ, कॉर्ड का जो है काम करेंगे। मारो यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है, ब्लैक हाँ। तो ये देखिए ये माइनस वाला वायर जो है हम जो है क्योंकि माइनस नेगेटिव इसका काम करेंगे, और ये जितना है ये प्लस मेरा जो है कॉमन रहेगा, तो प्लस वाला जितना वायर होगा मैं प्लस में मारूंगा। ये देख लीजिए आप शुरू नंबर में मैंने रेड का दिया है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं शुरू में मैंने रेड का काम किया है, और ये इसको जितना भी प्लस रहेगा प्लस वाला तार मैंने कॉमन रखना है आप सभी को। ये देखिए रेड रेड कॉमन कॉमन रखा है, इसमें पेस्ट लगा के इसका आप सोल्डिंग करेंगे, देखते रहिए। और ये पहला नंबर हुआ, फिर दूसरे में आपको जो है काला का करना है, फिर तीसरे में पीला का करना है, मारो देखिए मैंने सोल्डिंग मार ले रहे हैं। अब देखिए मैंने सोल्डिंग मार के जो है इस वायर को एक जगह एक बराबर कर रखा है, तो ये देखिए, और यहाँ पे जो है मेरा कट होगा, कहाँ है कट, ये देखिए, अब ये यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ो तो जल्दी फटाफट उसी प्रकार से। देखिए अब जो मैंने पहले रेड वाले में मारे थे आप काला में मार रखा है, तो काला में जो है नेगेटिव जोड़ना है और प्लस वाला तार को कॉमन कर देना है। तो ये देखिए मैंने काला में मार लिया, फिर इस व्यू से बराबर करेंगे इसको, बराबर करो, बराबर कर, छः उतार पकड़ के, देखिए देखिए मैं दूर से दिखा देता हूँ, ये देखिए बराबर कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जो है लाल चले ना, लाल काला अपीला, अपीला में देखिए पीला को छीलेंगे, अपीला को करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है पीला में भी ज्वाइन कर लिया है, तो लाल तो मेरा था लाल काला और पीला, पीला के बाद अब मैं अब हरा का नंबर है, तो हरा लाओ एक बराबर करो, खींचो एक बराबर से हरा वाला, हरा के छीलो, अब हरा में ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने हरा का भी ज्वाइंट किया, और लास्ट मेरा बचा हुआ है नीला यानी जो है ब्लू, तो इस अब ब्लू वाले को भी देखिए हरा हो गया और ब्लू वाले लास्ट बचा, एक बराबर करो, सही से पकड़ना, सही से एक बराबर करके कटका है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छिल नीला वाला छिलो, ये देखिए ये यहाँ पे ये वायर रखा हुआ है, उधर ये कल कॉमन वायर रखा हुआ है, तो दोनों को हम पकड़ रखे हैं देखिए और जुड़ रहे हैं इस तरह से। अब मेरा ये फाइनली हो गया, यानी आप देख सकते हैं, तो पहले मैंने किस में जोड़ा है, लाल में, फिर काला में, फिर पीला में, फिर आपको जो है मैंने जोड़ा है हरा में, और फिर नीला में जोड़ा है। तो पाँच कलर है आपको याद रखना पड़ेगा, यानी लाल काला पीला हरा नीला, तो उस हिसाब से आपको जानना। फिर शुरू से मेरा ये फाइनल हो गया, तो मैं फिर शुरू से मैं लाल से काम करना शुरू करूँगा, फिर उसके बाद ब्लैक, उसी प्रकार से आपको सिल्वर सिल्वर मारते जाना है, ठीक है। देखिए मेरा काम ये हो गया है, और ये इसको देखिए आगे क्या करते हैं हम, इस पर यहाँ से टेप मारेंगे थोड़ा सा। आप देखिए मेरा जो है पाँच को हो पाया, हो गया है, देखिए मैंने पाँच रनिंग मार लिया है, एक दो तीन चार और ये पाँच। अब यहाँ पर हम टेप मारेंगे, टेप मारो तो एक बराबर करके, देखिए वहाँ से
5 हो गया है हरा, फिर से इसमें यहाँ से टेप मारेंगे, इसलिए मैं टेप मार रहा हूँ कि सारा ये वायर जो है ये टाइट रहे। देखिए टाइट है, इसीलिए हमें यहाँ पे टेप मार रहा हूँ। अथी में भी मारो ना, हाँ अभी भी मारो। देखिए टेप मार ले रहे हैं यहाँ से, उस कोई सबके हाल एक ही इसी में मारना है। तो ये देखिए ये मेरा 5 रनिंग से सेफ हो गया। अब उसको छोड़ो छोड़ दो, नीचे रख, यहाँ पकड़, यहाँ पकड़। अब फिर यहाँ से देखिए मेरा हो गया, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे लाल से, फिर यहाँ से देखिए लाल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसी प्रकार से काला से शुरू करेंगे, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर उसी प्रकार से होगा। फिर थोड़ा 5 के बाद फिर टेप मारेंगे, फिर उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा और इस हिसाब से आप रनिंग मार सकते हैं। तो उतना लंबा वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, अगर ज़्यादा डिटेल करना है तो मेरा एक और तरीका बताए हैं, तो उस तरीका को आप मेरा वीडियो डाले हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसका जो है ट्रायल कैसा लगता है उस वीडियो में आप देख सकते हैं, सेम वही है लेकिन सिर्फ इसमें वायर का डिफरेंट है कि उसमें सिंगल कलर का वायर है, इसमें जो है मल्टी कलर वायर है। तो आपको वो वीडियो भी मेरा देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए कैसा डिज़ाइन निकलता है, किस प्रकार से निकलता है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और बाकी ये सब वीडियो मैंने आपको हेल्प के लिए बता रखा, तो आपको कैसा लगता है वो भी आप देखिए। और चलिए थोड़ा सा आगे बता देता हूँ कि इसको मैं रस्सी में किस तरह से बांधूंगा, थोड़ा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार से देखिए फिर मैं शुरू कर लिया हूँ, देखिए फिर शुरू में जैसे मैं फिर रेड से मारना शुरू किया, अब फिर यहाँ पे से जो मैं काला में मारूंगा आगे चल के काला में, तो इसी तरह से आपको भी तार दोहरा लेना है तो और मारिएगा, इसी प्रकार से आपका होता जाएगा। बहुत ही ईजी कनेक्शन है, एक बार समझ जाइएगा तो आपका ये बन जाएगा रनिंग। और ये देखिए आपको मेल फीमेल है, और मेरा वीडियो वो चैनल वाला नहीं देखें आप तो ज़रूर देखें, अगर देख लिए तो कोई बात नहीं है, तो आपके लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा और इसका क्या यूज है वो वाला वो वीडियो देखकर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए और दुर्गा पूजा का समय भी चल रहा है तो आपको ये बहुत काम का चीज़ है, अभी लॉगिन सब ऑफ हो गया तो आप घर बैठे ये बना सकते हो ये चीज़ अपना जुगाड़, ताकि आपको कहीं पर भी डेकोरेशन करने के लिए ईजी रहे। तो ये देखिए मेरा जो है जितना था वो रनिंग जो है हमने मार रखा, अब समेट रहे हैं, समेट रहे जल्दी, ये देखिए हम इसको समेट रहे हैं। और इसको हम रस्सी यहाँ देखिए, ये देखिए ये रस्सी जो है मैंने वहाँ से लेकर जो है वहाँ तक जो देख रहे हैं आप देख रहे हैं, वहाँ से ये रस्सी बांध रखा, इस रस्सी पे बांधेंगे, किस तरह से बांधेंगे आपको दिखा देते हैं। इधर आप देखिए, देखिए ये रस्सी है ये पैराशूट वाला, जो इसको मैंने 50 फीट पूरा लंबा यहाँ तक बांध रखा और यहाँ से हम शुरू करेंगे। उठा के ले गया, घिसता है मट्टी में लग रहा है, ये देखिए देख रहे हैं आप, सीधा सीधा रस्सी वहाँ पे बांधा हुआ है एकदम टाइट से। और देखिए हम इसको यहाँ पे बांधेंगे अभी, ला टेप मार। तो ये देखिए हम यहाँ पे जो है इसको टेप मार ले रहे हैं और इसको जो है देखिए किस तरह से इसको सोल्डिंग मारना, सोल्डिंग कर लाना। तो ये देखिए हम जो इसका आप जो है रस्सी में जो है हम बांधना शुरू कर दिए, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ जो है हमने टेप मार ले फटाफट, ये देखिए जितना ये ज्वाइंट है वो ज्वाइंट के पास जो है हम जो टेप मार ले रहे हैं। और ये वाला जो है हमको 50-55 फीट तक जो मेरा वहाँ तक गया है वहाँ तक रस्सी के हमें हम मारेंगे, और इसी तरह से आपको भी मार लेना है। ये देखिए ये मेरा लड़का जो है यहाँ पे ये पकड़ के रखा हुआ है ये, और इस सबको जो है जितना है ये 50-55 फीट लंबा होगा तो इसको हम पूरा में मारेंगे। और ये देखिए ये यहाँ से वो टेप मारते आ रहा है और इसको इसके बाद जो है हम ऊपर से टेप मार देंगे तो ये बेल्ट जो है रेडी हो जाएगा। उसे ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये चौड़ा वाला बेल्ट रखा हुआ है, इसको हम यूज करेंगे अभी। ये देखिए एक लड़का जो है, तो ये देखिए ये यहाँ तक जो है हमने ख़त्म कर लिया, अब जो है ये देख सकते आप कितना लंबा है, ये देख सकते हैं आप 1.5 फीट के जो है दूरी पे है जो है ये लगा हुआ है, और इसी हिसाब से आपको भी लगाना है। तो देख सकते हैं आप कितना हेवी लग रहा है ये बॉक्स के यहाँ पे क्या रख दिया, ये देखिए। और हम इस पर जो है टेप मारेंगे चौड़ा, ए चौड़ा टेप मार, ये देखिए। तो ये देखिए ये हम जो अभी इस पर टेप मार रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे एकदम टाइट से, ये देख सकते हैं आप, और इसको कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये वाटरप्रूफ एकदम से हो गया, एकदम सेफ्टी में आ जाता है ये वायर, देख सकते हैं एकदम बहुत मजबूत और एकदम सेफ्टी में हो गया। और ये आपका जो है कॉर्ड हो गया, और इस कॉर्ड सब का जो है वीडियो अगर देखना चाहते हैं किस तरह से कनेक्शन है तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है,
थे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेल्ट बनाना ये सिखाया है, और उस वीडियो में सारा फुल अति है कि किस तरह से कनेक्शन करना है और इसका लाइट डेकोरेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रोड शैली में किस प्रकार से, रोड मकान में किस प्रकार से आपको जलता हुआ अगर चाहिए तो। ये देखिए, ये जो है मेरा बेल्ट जो है रेडी हो चुका है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमको ले सकते हैं, और वो इसका जो किस तरह से इसको डिजाइन निकलता है वो आपको हमारा वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो देखिए, और आपको घर पे बनाइए अच्छा लगता है तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया, वो वीडियो जाकर प्लीज़ देखिए, वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वीडियो का, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हो।